यूपी में दंगाइयों और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्ती जारी है। लखनऊ में दिसंबर 2019 में हुए सीएए और एनआरसी विरोधी दंगों में फरार चल रहे आरोपियों की जानकारी देने वालों के लिए अब इनाम का ऐलान कर दिया गया। पुलिस ने लखनऊ के कई इलाकों में दंगे के आरोपियों के पोस्टर भी लगाए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 19 दिसंबर को सीएएनआरसी को लेकर उग्र प्रदर्शन हुआ था। दंगाइयों ने प्रदेश की राजधानी में जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की थी। इसके बाद दंगाइयों पर योगी सरकार का चाबुक चला। पहले सीसीटीवी के जरिए दंगाइयों की पहचान हुई, फिर सड़कों पर उनके पोस्टर लगाए गए और संपत्तियों को कुर्क करके नुकसान की भरपाई की कार्रवाई शुरू की गई। अब यूपी सरकार ने इस मामले में फरार चल रहे आरोपियों की तलाश करने की मुहिम तेज कर दी है। पुलिस ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल 14 प्रदर्शनकारियों के पोस्टर पुराने लखनऊ के कई इलाकों में लगाए हैं। इन पोस्टरों पर प्रदर्शनकारियों की तस्वीरों के साथ उनका पता भी लिखा गया है। इसके अलावा पोस्टर पर लिखा गया है कि इन प्रदर्शनकारियों की जानकारी देने वाले को 5,000 नगद इनाम दिया जाएगा। पोस्टर पर पुलिस अधिकारियों के नंबर भी हैं, जिन पर इनकी जानकारी दी जा सकती है। पुलिस ने दो अलग अलग पोस्टर जारी किए हैं। एक में वो प्रदर्शनकारी हैं जिन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। दूसरे में वो प्रदर्शनकारी हैं जो फरार तो हैं लेकिन उन पर गैंगस्टर एक्ट नहीं लगा है। पुलिस ने कुल 8 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इन सभी आरोपियों को पुलिस ने भगोड़ा घोषित किया है। इन आरोपियों की सूचना देने वालों को 5,000 रुपए का इनाम भी मिलेगा। आरोपियों के घर के बाहर भी नोटिस चिपका दिए गए हैं। मौलाना सैफ अब्बास समेत कुल 14 आरोपियों के पोस्टर लगाए गए हैं। लखनऊ में हुए दंगों के बाद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और यूपी सरकार इसके मूड में भी दिखाई नहीं दे रही। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के तत्वों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे और जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि सब चिन्हित चेहरे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की सख्ती और कड़ी कार्रवाई के डर से दंगों के कई आरोपी अभी तक फरार चल रहे हैं। फिलहाल पहचान के लिए इनके पोस्टर चिपका दिए गए हैं और इनाम का भी ऐलान कर दिया गया है। अब देखना है ये आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं।